मैं जब नौकरी करता था ना टीचर की, तो अब ऐसी व्यक्तिगत बातें करनी, लेकिन आप पराया नहीं है तो फिर मैं क्यों ना करूं, परिवार में बैठा हूं तो क्यों ना करूं बात। तो मैं जब प्राइमरी टीचर था शिक्षक के रूप में, तो नौकरी तो फिर तनख्वाह आती थी, तो फिर मेरा एक स्नेही वडील थे, उसने कहा कुछ पैसे जमा करके बैंक में रखो। तो देना बैंक जो थी उस समय ज़्यादा प्रसिद्ध, देवकरण नान जी, देना बैंक, तो बा मुश्किल गिन करके बा मुश्किल 1700 रुपये इकट्ठे किए महाराज मुरारी बापू ने। फिर मुझे सलाह दी कि इसकी कोई ज़रूरत ना हो तो बैंक में रख दो। तो मैंने कहा ये बात ठीक है, रख दो, अपना भी एक अकाउंट हो जाए। गया तो जिसके पास जमा करना था ना, वहाँ वो लोन देता था, पैसा लेता था, जमा कर आदि सब उनका जो बैंकिंग जो काम होता है। तो वहाँ लिखा था सर्व विथ स्माइल, एक छोटी सा सूत्र लिखा था, लेकिन वो आदमी जिंदगी में कभी हंसा नहीं था। अब मैं पैसा लेने नहीं गया था, देने गया था कि मेरे 1700 रुपया आप बैंक में रखो, लेकिन वो जरा मुंह चढ़ाए, खबर नहीं रात भर पत्नी से लड़ा होगा, मुस्कुराई ही ना। सही में बता रहा, तो मैंने हमारा वडील था उसको कहा मुझे इस बैंक में पैसा नहीं रखना है, क्योंकि जो आदमी लिखता है कि सेवा मुस्कुराते हुए करो और खुद मुस्कुराता नहीं है। पैसे हमने निकाल फिर ले लिए, उसने कहा क्यों मुंह चढ़ा, क्यों क्यों मुस्कुराते रहो। भगवान की कथा प्रसन्नता देती है, और प्रसन्नता प्रसाद प्राप्त होता है जब दिल ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र होता है, और प्रसन्नता आते ही परमात्मा दूर है ही नहीं, परमात्मा प्रसन्नता परमात्मा के रूप में परिणीत हो जाती है।